तो हिरा जो है ना वो ये वाला ड्रेस शूट अच्छा लेकिन ना थोड़ा सा गंदा लगा चूज करने आई है कपड़े उसको मम्मा पना पना के ट्राई करवा रही है कि यार आई अल्लाह हैं कौन दग बहनों के कपड़े सिलेक्ट करवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। वाओ ये आई है ना राबिया, राबिया को ये राबिया ये पहन रही हो गाइस। ये ड्रेस सीरा ने ओए होए होए चमकती फुलवार लग रही है इस वक्त और हाथ में इसका तितला देख। एंगेजमेंट से पहले बर्तन धोंगी ना तो हाथ बहुत चकाचक हो जाएंगे ना, भाई मैं हो जाएगी ना। क्यों बर्तन धोने नहीं जाते? बस कर दो, मानो मानो अल्लाह का वास्ता बस कर दो, खाना खा के मेंटल हो चुकी है लड़कियाँ। गाइस हीरा का भी फाइनल हो गया दुल्हन। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने मेरा ड्रेस सिलेक्ट कर लिया था, अब हम एक और आउटलेट पे आए हैं। आज हम सारा यहाँ गुलबर्ग, हम लोग लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वो हुआ हुआ है, सारे डिज़ाइनर वेयर यहीं पे। सो अभी हम जहाँ पे विजिट करेंगे यहाँ पे अभी कुछ देखते हैं मेरी बहनों को, वो अभी पहले ही अंदर जा चुकी हैं। इतनी डेस्परेट है पीपल आर सो डेस्परेट कि उनको बस ये कि हमारे ड्रेसेस हो रहे हैं, आप ही जाए भाड़ में। ये देखिए ये पहले से ही जो है ना वो इस जगह पे आके खड़ी हो गई हैं, चारों ओर एक ही कपड़े पे लड़ी जा रही है, ये मैंने पहना ये मैंने पहना। ऐसे मेरी मम्मा को कोई ड्रेस ही नहीं पसंद आ रहा, लेकिन पसंद आ रहा है तो साइज नहीं मिल रहा। मम्मा ने आपने दिन रात लगा के डाइटिंग कर ली है लेकिन इन कपड़ों में पूरी नहीं आई। और फातिमा मैडम यहाँ बैठ गई, बेटा आपने ट्राई नहीं करना, ये आपने मेरे एंगेजमेंट पे इनवाइटेड नहीं है। पर्सनली यहाँ की चीजें इसलिए अच्छी लग रही हैं क्योंकि एंगेजमेंट के थीम के अकॉर्डिंग है, बहुत वाइब्रेंट कलर्स नहीं। मेरी कोशिश है पहले जहाँ से देखा वहाँ से नहीं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, मेरा दिल खराब है। तो लेट्स सी क्या होता है, राबिया करके आती है, उसके बाद में अपना देखती हूँ। तो ये देखें जी राबिया ने ये वाला ड्रेस पहन के ट्राई मारी है। राबिया ये मेहंदी वाले हैं, ये उसके वाले नहीं है, तो जब होगी तो तब देखना ना ये अच्छा है। हाँ नाइस, ये ड्रेस देखें, ये बारात शरात के लिए कितने प्यारे प्यारे आउटफिट्स हैं यार। जब मेरी शादी होगी ना मैंने थीम रखना है कि हर लड़की वाइट पहन के आएगी, ठीक है, वरना दुल्हन से ज्यादा दूसरी लड़कियां तैयार हुई होती हैं। अंदर एक भी चमकदार नहीं होनी चाहिए। अच्छा तुमने उधर रोजे रखवाने सबको, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लड़की के सर पे दुपट्टा और नो मेकअप, फिर देखना सबने घूमने लगा। जो तुमने ड्रेस था वो उनका ब्राइडल वेयर था और वो मैंने ट्राई किया और वो मैं बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ देख लो, यहाँ नहीं है फातिमा पहनने गई अब। हाँ देखो ये लड़की को मैं हेल्प करूंगी कि कौन कपड़े तो अभी दिखाऊं। नहीं दिखाऊंगी, वैसे मैं यहाँ पे लोगों को कपड़े दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से। ये ड्रेस जो था ये हीरा ने अपने शूट पे शायद पहना था, वरना मैं ये ले लेती। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है, ग्रेश सा टोन है इसका। यार यहाँ पे कितने सारे कपड़े हैं, मैं बापू क्या क्या। अच्छा एक ये भी आउटफिट है, ये भी इनका बहुत प्यारा है बट बहुत वजनी है। ये जो इनके ब्राइडल्स है ना ये बहुत वजनी है, मतलब सही वाला वजन जो है ना वो मुझे उठाना पड़ेगा। दादा तुम ये वाला भी ट्राई कर सकती हो, तुमने पहले हाँ तुमने पिंक ट्राई किया ना, जो मुझे लग रहा है कि फिर वो कर लो वो वाला। तो हीरा जो है ना वो ये वाला ड्रेस शूट पहन के ओ हो 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 अच्छा, लेकिन ना थोड़ा सा गंदा लग रहा है। नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है, सामने आओ यहाँ। अच्छा तुम अब आई हो तो यू वांट, तुमने वो भी ब्राइडल वाला पहन लिया ताकि मैं ना पहन सकूं, तुम ये अब तो अभी तुम्हें कुछ और चाहिए। अच्छा लग रहा है, ये देखें जरा ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की है ये बस चश्मा लगा के फोन यूज करने आई है, कपड़े उसको मम्मा पना पना के ट्राई करवा रही है कि यार फातिमा ये ब्राइडल ड्रेस इतना वजनी ड्रेस है ना। हाँ जरा एक दफा वॉक करके दिखाना आगे से, कह रही देखो जरा, अस्तग़फ़िरुल्लाह मतलब वेरी नाइस, आई अल्लाह हैं कौन दग। तुम अच्छा सा लाइट सा सेलेक्ट करो, दुल्हन तुम लग रही हो। दुल्हन अपनी शादी पे चलेगी तब। हाँ दुल्हन शादी पे जा रही है, कहीं और नहीं जा रही, लेकिन ये ड्रेस बहुत एक्स्ट्रा है, ये उनका ब्राइडल कलेक्शन है और तुम ब्राइड्स मेड में उठ के आ गई हो। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको वैसे क्या चक्कर आना है, ये ऐसे ही चक्रीली है। आप ये नहीं पहन रही यार, ये बहुत यार फातिमा 606 ऑप्शंस पड़ी हैं, कोई भी देख लो। ये हमारा तुम इस तरह आओगी एंगेजमेंट में, ठीक है यार फातिमा कर लो यार सिलेक्ट। एक तो पता नहीं है और तो पता नहीं क्या मसला है। ये ड्रेस सीरा ने ओए होए होए चमकती फुलवार लग रही है इस वक्त और हाथ में इसका तितला देख ले आप। ये हाथ ऐसे ही रहेगा, अब बस यही करती रहोगी तुम। नहीं अच्छा लग रहा है, आप बताए कॉमेंट में की ड्रेस सीरा को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ये पागल हो तुम।
तुम ब्राइडल की बहन हो, ब्राइड की शादी होगी। हाँ ओहो इतनी प्यारी लगी मीना। ऐसे मीना तोता मैं आई अल्लाह, तुमने उनका दुपट्टा उतार लिया राबिया, तुम पागल हो जाती हो हर जगह जाके। नहीं वाली मेहंदी वाला जोड़ा नहीं है। बहनों के कपड़े सेलेक्ट करवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। चले जी ये भी अच्छा रहा भाई पहनो। वाओ ये आई है ना राबिया, राबिया को हीरा भाई ये पहन रही हो। ओ नाइस राबिया, तुमने ही वहाँ पे घूमना है, हीरा पहन के भी लगी हुई है ढूंढने के लिए। या अल्लाह ट्राई किए थे वो चाहिए। हाँ राबिया ने ब्राइड की बहन चाहिए, ब्राइड की बहन ब्राइड चाहिए फातिमा तुम आपको मैं चाहिए तो मैं नहीं नहीं आप नहीं सॉरी ऐसी गंदी घटिया बहू नहीं चाहिए। ये साड़ी इसका कमरा देखो, अपना साइज देखो और कमरा देखो, लेकिन ये कलर अच्छा। अब सिर्फ हम इंतजार करें यहाँ से हीरा निकलेगी और वो देखें कितनी परफेक्ट टाइमिंग थी ना मेरी वीडियो की। चलो उठो निकलो, हो गया फिर तुम्हारा भी फाइनली। शुक्र है फाइनली धुला सिलाई। बड़ा शौक हो रहा है मेरे बाद फौरन फौरन हीरा को गाइस। गाइस हीरा का भी फाइनल हो गया दुल्हा। नहीं नहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ, बेचारी ऐसे तंग कर रही है, सूट सेलेक्ट कर लिए। चले मेरी अम्मा ये कहाँ से लेकर आई है। हाँ वैसे ड्रेस पे आ रहा है। निकल आओ यार राबिया प्लीज निकल आओ, अब क्या कर रही हो। करना नहीं था, कर ला क्योंकि सेक्सी लग रहा था। दफा हो जाओ अब तुम्हें यहाँ, यहाँ हम लोग आए ही नहीं है इस वाली साइड पे। ये भी प्यारा है, ये वाला कलर कितना अच्छा है रहा। हाँ लाइट कलर मुझे ना ये पसंद है ये। हाँ ये भी प्यारा है, ये भी गाइस ये किसको ड्रेस बहुत पसंद आया, ये ड्रेस भी मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ फ्रोजन कलर है, ये वाले मेरे पहनने वाले हैं ना, वो बहुत हैवी है वहाँ पे। चलो सही अब अभी निकलो यहाँ से प्लीज, बहुत टाइम ले रही हो। हीरा बस करो, हीरा वापस आ जाओ, हीरा मेहरबानी भूख लगी पेट में चूहे नाच रहे हैं वापस। फिर किसी दिन टाइम निकाल के आऊंगी यहाँ पे फिर ट्राई करूंगी। ये लड़कियों को एक घर से भी निकालना मुश्किल है, पार्लर से निकालना मुश्किल है, डिजाइनर हाउस से तो वैसे निकालना बहुत मुश्किल है। अंडे गरम अंडे खा लो जाके, अब कपड़ों की टेंशन ही नहीं खत्म हो रही दुनिया में, और क्या करें यार। अब हम जाएंगे यहाँ पे खाना खाने के लिए। बैग कहाँ है तुम्हारा, किसी के पास है बैग गाड़ी में, मेरे पास है कार्ड। तुम्हें तुम्हारी बहन क्या लगती है कंगाल, मुझे ये नहीं कंगाल है, मुझे वहाँ जाके ना ना ओके बहन रख लो यार काबिल नहीं है। बहन सफाई करेगी, आप ही वो बर्तन धो रही है। हाँ एंगेजमेंट से पहले बर्तन धोंगी ना तो हाथ बहुत चकाचक हो जाएंगे ना, मेहंदी हो जाएगी ना, मेहंदी पड़ेगी। क्यों बर्तन धोने नहीं जाते, मेरे से नहीं होते ऐसे वैसे काम। ठीक है लेट्स सी, लेट्स सी। ये ना मैं इसके घर मिलने आ रही, ये बर्तन धो रही हूँ। नहीं बर्तन बंदा धो लेता है यार, वो तो अपने बच्चे रो रहे हैं। हीरा तो फिर से डराई हो यार, हमें लग रही है बहुत ज्यादा भूख, इतनी मेहनत करवा कर रही है। मेहनत किसने की है, मेरी माँ तो बेचारी सुकून करती रही है। और अगर गंदी जगह पे जाओ तो ये आपको 10 रुपए का खरीदना पड़ता है, तो बस यही खरीद के जब आके जब हमें वो ये लोग देते हैं इसका ये बिल में होगा। हाँ कॉम्प्लीमेंट। इतनी देर की भूख के बाद ये देखे सिर्फ ये एक प्याला है सूप का जो की हीरा का कटा है, दाल मुझे तो दलिया लग रही है ना के नीचे गिराई। सो गाइस मेरा खाना आ चुका है यहाँ पे, ये देखो अब भूख नहीं लगी सबको, मेरी माँ के हाथ से भी ये सैलेड पकड़ लिया, मम्मा का मुंह देखे भूखी भी लेगी। बच्चों खाना आ चुका है, अपनी अपनी स्नैप्स बंद कर दें। सब खत्म, सब खत्म, मजा आ गया। मानो बस कर दो, मानो मानो अल्लाह का वास्ता बस कर दो, खाना खा के मेंटल हो चुकी है लड़कियाँ। ये गेस करें लड़की कौन है। चलो अब निकलो अब यहाँ से प्लीज, जल्दी उठ जाओ मेहरबानी आप लोगों की। ये राबिया ये देखिए, अब हम जा रहे हैं बाहर। और ये सारी गर्ल सोती पड़ी हैं और मैं भी यहाँ पे सो रही हूँ। ओए 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 ये देखो प्रोएक्टिव। और मानो जाते वक्त भी सोती है, आते वक्त भी सोती मानो। चलो निकलो अब, मेरी जो तुमने इधर बैठ के मुझे तांगे तंग करी है ना। तो जी हम घर पहुंच चुके थे, अब घर आने के बाद इतनी कैपेसिटी नहीं थी और सब लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं क्रापी का दिन शुरू होता है कि मैं अभी सो के उठी हूँ, और दिन खत्म होता है कि मैं बहुत थक गई हूँ मैं सोने लगी हूँ। तो जाहिर है जब एंड करती हूँ जो एक्टिविटी कर रही होती हूँ मैं आपको सच्ची सच्ची बता देती हूँ कि मैं क्या करी हूँ। सही है तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा, और अगले व्लॉग में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अगर आप लोगों की माइंड में कोई सजेशन है फॉर माय एंगेजमेंट सेरेमनी तो आप मुझे ज़रूर जो है वो बता सकते हैं कि क्या चीज़ हम एडअप कर सकते हैं, क्या चीज़ हम रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो उसको अच्छे से और मेमोरेबल बना सकते हैं। तो आप लोगों की सजेशंस जो है वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो गाइस स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी इकरा कवल को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।
सो राबिया गई भी है ट्राई करने के लिए और इन लोगों ने मुझे सख्ती से मना किया कि जो ड्रेस हम लोगों ने पहनना है उसको आपने शूट नहीं करना, तो वो मैं आपको भी नहीं दिखा पाऊंगी। बट वैसे मैं आपको ओवरऑल यहाँ का विजिट करा देती हूँ। ये देखें